नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दी व्यू की प्रीमियम सीरीज। दो सीरीज है उनकी, बाय द वे, प्रीमियम 4K एंड प्रीमियम। तो आज मैं प्रीमियम को ले रहा हूँ, प्रीमियम 4K को नहीं, ध्यान रखिएगा, और स्पेसिफिकली यूटी मॉडल नंबर, तो यानी 43 UT या 55 UT। आज के वीडियो में तो मैं सिर्फ 43 इंच के बारे में बात करूंगा और हम इसे कंपेयर करेंगे विद दी एसर आई सीरीज। अब आप अगर सोच रहे हैं कि भाई इन दो टेलीविजन का कंपैरिजन क्यों हो रहा है, दीज टू टीवीज आर प्रोबेबली वन ऑफ द चीपेस्ट 4K टीवीज इन द मार्केट टुडे, जो आपको 3 HDMI पोर्ट्स देगा और जो 25,000 रुपीज के नीचे है। और अगर आप सोच रहे हैं ये बराबरी की टक्कर नहीं है क्योंकि एक टेलीविजन में LG की WebOS है और दूसरे टीवी में एंड्रॉयड, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों ये कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ। आगे चल करके ये वीडियो देखिएगा। हर एक वीडियो की तरह मैं आपको ये बता दूं कि मैं उन्हीं फीचर्स या उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जिन पॉइंट्स को मैं पर्सनली सोचता हूं कि वो पॉइंट्स भाई मायने रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे, आप अगर इन टेलीविजन के स्पेक्शीट में भी चले गए ना, ऐसी ऐसी चीजें लिखी होंगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं एसर आई सीरीज को ले लूं और यहाँ पे आ गया उसके टीवी के जो विजुअल्स हैं, यहाँ पे आपको ये बताएगा कि इसमें माइक्रो डिमिंग एक्सेट्रा है, जैसे 1296 यूनिक डिमिंग जोन्स। तो क्या इसमें एक्चुअली में डिमिंग जोन्स है, वो भी 1200 डिमिंग जोन्स? तो ये सब चीजें जो है वो मैं बारीकी से कवर करूंगा आज के वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको अंत में अपना एक ओपिनियन बता दूंगा कि इन दो टीवी में से मैं कौन सी टेलीविजन सेलेक्ट करूंगा, और मार्केट में अगर कोई वर्दी ऑल्टरनेटिव है उनके बारे में भी मैं डिस्कस कर लूंगा। अब हर एक वीडियो की तरह मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग पॉइंट बाय पॉइंट ऑफ दीज टीवीज ऑन देयर रिटेल जो पेज है, यानी अमेजोन की जो रिटेल लिस्टिंग है, मैं उस पे एक्चुअली मैं फोकस नहीं करूंगा। जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे फीचर्स होते हैं इसमें, यहाँ पे जैसे अगर आप देख लेंगे इतने सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, तो मैंने क्या किया है इनको कंडेंस करके उन सारे फीचर्स पे फोकस किया है जो मायने रखता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो की विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब पोर्ट्स और कनेक्टिविटी के बारे में ना, दीज टू टीवीज अब प्रिटी मच आप बोलेंगे बराबरी की टक्कर ही है, क्योंकि अगर आप इन दोनों टेलीविजन में देखेंगे HDMI पोर्ट्स की, ऑब्वियसली इस प्राइस रेंज में आपको 3 HDMI पोर्ट्स ही मिलेंगे और दोनों टेलीविजन में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं। दोनों टीवीज में आपको सरप्राइजिंगली इवन इन 2022 HDMI E आर्क नहीं मिलेगा, यानी E आर्क का सपोर्ट नहीं है, ओनली आर्क का सपोर्ट है। तो ई आर्क और आर्क में क्या डिफरेंस है भाई? सिर्फ बैंडविड्थ का डिफरेंस है। जैसे HDMI 2 एंड HDMI 2.1 में भी बैंडविड्थ का डिफरेंस है। व्हाट डू आई मीन बाय बैंडविड्थ का डिफरेंस? जो डाटा ट्रांसफर होता है, द हायर द बैंडविड्थ द बेटर इट इज। तो जब हम HDMI 2 से HDMI 2.1 पे चले गए तो बैंडविड्थ इंक्रीज हो गया, तो डाटा और ज्यादा तरीके से फास्टर ट्रांसफर हो सकता था। सिमिलरली HDMI आर्क और ई आर्क में भी वही फर्क है, बट दी टेक्नोलॉजी इज मोर लेस द सेम, इट इज द एवोल्यूशन ऑफ दैट टेक्नोलॉजी इन ई आर्क। तो यहाँ पे आपको आर्क का सपोर्ट मिल रहा है, ई आर्क का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपको थोड़ा बजट और स्पेंड करना पड़ेगा, देयर आर टीवीज जिसमें ई आर्क का सपोर्ट भी आता है, बट प्लीज नोट जब आप ई आर्क भी यूज करेंगे ना, यू आर सेक्रीफाइसिंग वन ऑफ दोज HDMI पोर्ट्स। तो अगर आपके घर पे बहुत सारे डिवाइसेस अगर हो, फॉर इंस्टेंस प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, सेट टॉप बॉक्स, तीन तो HDMI पोर्ट्स ऐसे ही चले गए, राइट? तो आप कनेक्ट कहां पे करेंगे? या पर्सनली मैं आर्क को तो यूज भी नहीं करता हूं। वी लिव इन अ वर्ल्ड, वी लिव इन अ टाइम जहां पे मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस वायरलेस है, तो मैं जनरली अपने जो साउंड बार्स में भी है ना, वो वायरलेसली कनेक्ट करता हूं, यानी ब्लूटूथ के द्वारा। पर हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑडियो फाइल्स हैं, जो ऑडियो एंथुजियास्ट्स है, जिनको हर एक चीज को सुनना है प्यार से, ध्यान से, तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है। आर्क से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट सैक्रिफाइसिंग दैट वन HDMI पोर्ट। अब USB पोर्ट्स की अगर हम बात कर लें, दोनों टेलीविजन्स में दो USB पोर्ट्स आते हैं। एडवांटेज एसर आई सीरीज में ये है कि यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट 3.0 मिलेगा और एक USB 2.0 मिलेगा, जो बेहतर है, क्योंकि अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क है या SSD है, उसमें आप मूवीज डाल करके कनेक्ट करके देखना चाहते हैं, अगेन USB 3.0 इज एन अपडेटेड स्टैंडर्ड। और आपको व्यू की प्रीमियम UT सीरीज में सिर्फ दो 2.0 की USB पोर्ट्स मिलेंगे। ऑप्टिकल पोर्ट्स दोनों में ही अवेलेबल है, ईयरफोन्स पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, ईथरनेट लैन पोर्ट्स भी दोनों ही में अवेलेबल है। हालांकि कौन यूज करता है यार,
सब कोई अभी वायरलेसली यूज करते हैं इंटरनेट को, और वायरलेस की बात कर लें तो दोनों ही टेलीविजन में आपकी डुअल बैंड वाईफाई भी अवेलेबल है। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड यहाँ पे 5.0 है, तो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है मैं बोलूंगा, लेटेस्ट इन द सेंस ऑब्वियसली ब्लूटूथ 5.2 5.3 भी है, पर 5.0 वाली जो स्टैंडर्ड है ऑलराइट दैट इज मैं कहूंगा काफी लेटेस्ट, सो यू आर सॉर्टेड देयर। अब फार फील्ड माइक्स दोनों ही टेलीविजन में है नहीं, मैं फैन भी नहीं हूं इनका, पर अगर आप चाहते हैं ये वाली फीचर तो प्लीज नोट कि ये वाली फीचर नहीं है दोनों टीवीज में। अब आगे बढ़ते हैं पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की, तो अगर हम बात कर ले एसर थोड़ा सा आगे निकल जाता है बिकॉज ऑफ दैट यूएसबी पोर्ट, एक आपका 3.0 है और एक आपका है 2.0, तो थोड़ी सी बेटर है एसर आई सीरीज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज मैं कहूंगा काफी बराबरी की टक्कर है ना। आगे चलते हैं हम ऑडियो एंड साउंड को देख लेते हैं, और ऑडियो एंड साउंड की अगर हम बात करेंगे ना तो ऑडियो एंड साउंड में आपको स्पीकर आउटपुट मिलेगा ज्यादा व्यू की प्रीमियम यूटी सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे आपको 40 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे हैं और एसर आई सीरीज में आपको 30 वॉट का मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 10 वॉट का है, पर हियर इज वेयर द मेन डिफरेंस इज। मेन डिफरेंस आपका यहाँ पे है कि आपका व्यू का जो प्रीमियम सीरीज है ना उसमें आपको दो ट्वीटर्स भी मिल रहे हैं, यानी आपको दो मास्टर स्पीकर्स और दो ट्वीटर स्पीकर्स मिल रहे हैं, यानी आपका ओवरऑल 4 स्पीकर्स है। ये आपका ये जो दिख रहा है आगे में ये एक साउंड बार टाइप है जो यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे आपके दो ट्वीटर्स लगे हुए हैं, डाउन फायरिंग आपके स्पीकर्स दो मास्टर स्पीकर्स है और फ्रंट फायरिंग दो ट्वीटर्स है। तो इससे क्या होता है ना कि साउंड एक्चुअल में इंप्रूव होता है। अब अगर हम इसके डिजाइन में चले गए यानी एसर आई सीरीज में, यहाँ पे आपको सिर्फ दो मास्टर स्पीकर्स मिलेंगे और दो ट्वीटर्स नहीं मिलेंगे, तो आपको सिर्फ दो स्पीकर्स मिल रहे हैं वो भी डाउन फायरिंग। तो हालांकि उसमें सिर्फ 10 वॉट का डिफरेंस है, पर साउंड की जो ओवरऑल क्वालिटी है उसमें आपको काफी डिफरेंस मिलेगा बिकॉज ऑफ दैट फ्रंट फायरिंग ट्वीटर्स एज वेल। तो साउंड के मामले में तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा दैट यस व्यू की प्रीमियम यूटी सीरीज इज कंपैरेटिवली बेटर, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ 40 वॉट्स बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा ट्वीटर्स। और हालांकि दोनों टीवीज में डॉल्बी एटमॉस अवेलेबल नहीं है, दोनों टेलीविजन में आपको डॉल्बी ऑडियो मिलेगा ऑलराइट। और मैं अगर डॉल्बी एटमॉस भी देख लूँ ना, मैं आपको ये एक चीज बता देता हूँ कि इन टीवीज में ना डॉल्बी एटमॉस भी अगर होगा दैट इज जस्ट अ वर्चुअल एटमॉस, इट इज नॉट अ फिजिकल एटमॉस। ऐसा नहीं कि आप 5 स्पीकर सेट कर रहे हैं घर पे, इनफैक्ट डॉल्बी एटमॉस में तो आप सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही नहीं वर्टिकली भी स्पीकर सेट करते हैं, यानी सीलिंग के स्पीकर भी आते हैं, वो हो गया ट्रू आपका डॉल्बी एटमॉस। पर यहाँ पे आपको एक वर्चुअल एटमॉस जो है वो भी नहीं मिलेगा, पर डॉल्बी ऑडियो मिल रहा है, वर्चुअल सराउंड आपको मिल रहा है, वर्चुअल सराउंड आपको एक सिमुलेटेड सा एक्सपीरियंस देगा जो आप एंजॉय करेंगे। डेफिनेटली इट्स बेटर देन हैविंग नो वर्चुअल सराउंड या वर्चुअल साउंड। अगर आप इसके फीचर्स में भी चले जाएंगे आपको यही बताएगा, जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर साउंड में आ गए अल्ट्रा सराउंड जैसे व्यू बोलता है, और यहाँ पे अगर हम एसर की आई सीरीज में आ जाए तो साउंड में अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ पे हाई फिडेलिटी स्पीकर्स विद डॉल्बी ऑडियो 5 साउंड मोड्स यहाँ पे आपको मिलेगा। तो मैं कहूंगा कि साउंड के मामले में तो ऑब्वियसली व्यू आगे निकल जाता है, बट आई ऑलवेज टेल दिस, जब आप एक टीवी लेते हैं ना आप साउंड के लिए मत लीजिएगा, बिकॉज साउंड इज एन एस्पेक्ट जो आप बाद में भी इंप्रूव कर सकते हैं बाय एडिंग स्पीकर्स टू इट ऑलराइट, बट पिक्चर आप कभी भी कुछ भी ट्वीक करके इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, यानी आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं लगा सकते पिक्चर को इंप्रूव करने के लिए, पर आप ऑडियो को इंप्रूव करने के लिए एक्सटर्नल स्पीकर्स एक्सटर्नल साउंड बार्स सिस्टम्स 5.1 सिस्टम्स अटैच करके आप साउंड को हमेशा इंप्रूव कर सकते हैं। पर हाँ बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको उतना पैसा खर्च नहीं करना है एंड दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि उनको एक एक्सपीरियंस ऐसा मिले जो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स उनको अच्छा साउंड दे ऑलराइट। तो उस मामले में आपका व्यू प्रीमियम इज कंपैरेटिवली बेटर हाँ, पर एसर आई सीरीज भी 30 वॉट्स के स्पीकर से इट शुडन्ट बी दैट बैड। ओके नाउ लेट्स गो ओवर टू द कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस। यहाँ पे व्यू की जो यूटी सीरीज है प्रीमियम सीरीज डेफिनेटली मार खा जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ 1.5 जीबी का रैम मिलेगा, 8 जीबी का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कंपेयर टू द 2 जीबी एंड 16 जीबी यहाँ पे उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा बिकॉज एलजी की जो वेब ओएस है दैट इज अ मच लाइटर ओएस। अब मैं व्यू को ऑब्वियसली डिपेंड नहीं करना डिफेंड नहीं करना चाहता हूँ, बट मैंने अपने पास्ट के भी वीडियोस में बोला है, जब मैंने टिजन ओएस या सैमसंग की टाइजन ओएस या फिर विडा ओएस जो है हाईसेंस की या फिर एलजी की ही वेब ओएस की जब मैंने बात की है अपने पिछले कुछ वीडियोस में, मैंने ये भी कहा है कि ये जो ओएस है टीवी ओएस दैट इज मच लाइटर
देन आपकी जो एंड्रॉयड 11 ओएस है, तो इवन दो यू डोंट हैव 16 GB, आई थिंक अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट देखते हैं, जैसे ओटीटी एप्स हो गए नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, जी, सोनी लाइव एक्सेट्रा, यू शुड बी गुड इवन विद 8 GB. हाँ, अगर आप गेमिंग करते हैं एंड्रॉयड गेमिंग वो भी, और अगर आपको कोई दूसरे एप्स को डाउनलोड करना है, तो ऑब्वियसली आपको कमी महसूस होगी. पर जब मैं एक टीवी लेता हूँ ना, मैं पर्सनली अपनी एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, आई डोंट बाय अ टीवी टू प्ले एंड्रॉइड गेम्स. मेरे पास यार एक्सबॉक्स कॉन्सोल है, पीसी है, प्ले स्टेशन भी है, तो गेम्स अगर मुझे खेलना है तो मैं इस कॉन्सोल से खेलूंगा या पीसी से खेलूंगा. पर हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें एंड्रॉयड गेमिंग करना होता है, तो उस मामले में मैं ये सबसे पहले बता दूं कि आपको एंड्रॉयड की प्ले स्टोर तो मिलेगी ही नहीं व्यू की इस प्रीमियम यूटी सीरीज में, क्योंकि दिस कम्स विद एलजी की वेब ओएस. जी हाँ, इसमें आपका एलजी का लाइसेंस्ड वेब ओएस है. और एसर आई सीरीज में एडवांटेज ये है कि इसमें एंड्रॉयड 11 है. अब एंड्रॉयड 11 का एडवांटेज मैंने क्यों कहा, एडवांटेज इसलिए कहा क्योंकि एंड्रॉयड 11 में ऑब्वियसली गूगल का प्ले स्टोर मिलेगा, एंड विद दैट प्ले स्टोर आपको ऐप की अवेलेबिलिटी ज्यादा मिलेगी. क्योंकि जब आप वेब ओएस या टिजन या टाइजन जो भी आप बोल रहे हैं या विडा की ओएस ले लें, उसमें एक चीज हमेशा कमी रहती है जो है मीडिया प्लेयर्स की. फॉर इंस्टेंस टाइजन में सैमसंग की मीडिया प्लेयर के अलावा और कोई मीडिया प्लेयर आप डाउनलोड ही नहीं कर सकते हैं टाइजन के स्टोर से. तो अगर आपको VLC मीडिया प्लेयर चाहिए, जैसे कि मैं वो एग्जांपल दे रहा था ना यूएसबी की, जब मैं बात कर रहा था, मैं आपको बोल रहा था कि आप हार्ड ड्राइव में मूवीज रख के अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप VLC प्लेयर्स में सबसे ज्यादा फॉर्मेट्स को देख सकते हैं, सबसे ज्यादा आप आनंद उठा सकते हैं VLC प्लेयर का ऑन एन एंड्रॉयड टीवी, पर आपको वो LG की वेब ओएस में नहीं मिलेगी. तो आप ध्यान से कदम बढ़ाइएगा, क्योंकि वेब ओएस में ऐप अवेलेबिलिटी की लिमिटेशंस होगी, आप वो हमेशा ध्यान में रखिएगा. पर हाँ, सारे जो बेसिक्स ऐप, बेसिक के ऐप्स है जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार एक्सेट्रा, वो सब आपको यहां पे मिल जाएगा, यहां तक कि सोनी लाइव भी मिलेगा. तो बेसिक टेलीविजन व्यूइंग के लिए वेब ओएस इज फाइन, बट अगर आप एप्स या गेम्स डाउनलोड करना चाहते हैं तब आपको कमी महसूस डेफिनेटली होगी. 1.5 GB एंड 8 GB इज डेफिनेटली लोअर देन एसर की आई सीरीज, बट अच्छी बात यह है कि 64-bit का क्वाड कोर प्रोसेसर है, और इन सारे टेलीविजन में ना जनरली क्वाड कोर प्रोसेसर जो होता है वो मीडिया टेक का CA55 या CA53 होता है, विच इज अ प्रीटी स्टैंडर्ड, आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है फॉर टेलीविजन. तो यहाँ पे 64-bit का क्वाड कोर प्रोसेसर भी है. तो मैं कहूंगा एसर आई सीरीज इन दिस comes forward because of the app availability, because of more storage, more RAM. So it's a better option here. Ab chalte hain most important aspect of buying a TV, which is the display and picture. Ab is wali jo portion hai na, usse aap dhyan se suniyega, kyunki this is the most important thing, aur ye aisi cheez hai na jo aap external device laga karke kabhi bhi improve nahi kar payenge. To TV agar aap le rahe hain, is portion pe sabse zyada dhyan dijiyega. Ab dono hi televisions mein एक बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि आपको व्यू प्रीमियम सीरीज में आईपीएस पैनल्स मिलते हैं. जी हाँ, आपको 43 इंच वाली टीवी में भी आईपीएस पैनल मिलेगा. इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ दोज फ्यू टेलीविजन्स आउट देयर जो आपको 43 इंच में भी आईपीएस पैनल दे रहा है. अब आईपीएस पैनल आप कब लेना चाहेंगे, जब आपको व्यूइंग एंगल्स अच्छे चाहिए तब आप आईपीएस पैनल्स लेना चाहेंगे. Main difference between a VA and an IPS panel is number one, the technology, number two, the use, yani requirement. Kyunki agar aapko wide viewing angles chahiye, IPS panels are far better. Aur agar aapko better blacks or better contrast ratios chahiye, to VA panels are comparatively better. But please note ki VA panels mein aapko utni achhi viewing angles nahi milegi. Depend karta hai kaise unhone actual mein implement ya execute bhi kiya hua hai. Because in some VA panels, the viewing angles are not that bad. Ab personally, agar aap meri choice puchenge, dekhe bhai, main television ko angle se nahi dekhta. Main seedhe baith karke dekhta. My obvious choice is going to be a VA. Maine apne pichle videos mein bhi bahut baar, in fact, comments mein bhi ye likha hua hai, कि मेरी पर्सनल चॉइस हमेशा VA रहती है, बिकॉज आई लाइक द कॉन्ट्रास्ट, द पंची कॉन्ट्रास्ट रेशियोज एंड द डीप ब्लैक्स जिसे आप बोलते हैं. तो मुझे VA पैनल्स बेटर लगता है. बट हाँ, अगर आप परिवार वालों के साथ टीवी देखना चाहते हैं, देन इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट. तो आप ध्यान से चूज कीजिएगा. अच्छी बात यह है प्रीमियम सीरीज में कि आपको 43 इंच में भी IPS पैनल मिल रहा है. ये सिर्फ दो साइजेस में आते हैं. मैं साइज और प्राइस के बारे में नेक्स्ट सेक्शन में बात करूंगा.
तो दोनों ही टीवीज में आपको 8 बिट प्लस FRC पैनल मिलेगा। अब ये जो भी मार्केटिंग कर लेना, ये आप बोल सकते हैं कि मार्केटिंग थोड़ा सा गिमिकी होता है, और इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब आप एक टेलीविजन लेते हैं ना, गिमिकी मार्केटिंग पे मत पड़िएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको 10 बिट पैनल दे रहे हैं, बट प्लीज नोट दैट दिस इज अ नॉट अ ट्रू 10 बिट पैनल। दिस इज एक्चुअली अ 8 बिट प्लस FRC पैनल जो आपको 10 बिट का कलर डेप्थ देता है। इट इज वेरी क्लोज टू अ ट्रू 10 बिट पैनल, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली अ ट्रू 10 बिट पैनल। इट इज अ 8 बिट प्लस FRC पैनल। सो 8 बिट प्लस FRC, यहाँ पे IPS पैनल मिलेगा आपको व्यू में, और 8 बिट प्लस FRC पैनल मिलेगा, VA पैनल मिलेगा आपको एसर की आई सीरीज में, एंड दैट हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन योर कॉन्ट्रास्ट रेशियोज एज वेल। दूसरी चीज ना जो मुझे व्यू के टेलीविजन में हमेशा अजीब लगी है, एंड अगेन इट्स डाउन टू बैड मार्केटिंग एंड इट्स गिमी की मार्केटिंग मैं कहूंगा। कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखिए, इट इज 1,000,000:1, वो भी IPS पैनल में बोल रहे हैं यार। जनरली IPS पैनल में ना आप कैसे पहचान सकते हैं कि IPS पैनल एक्चुअली में IPS है और VA? वन ऑफ द वेज ऑफ फाइंडिंग आउट इज दैट आपको IPS पैनल में हमेशा कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है वो 1,100:1 या 1,200:1 का होगा, और VA पैनल में कॉन्ट्रास्ट रेशियो विल ऑलवेज बी समथिंग लाइक 5,000:1 या 6,000:1 का भी कॉन्ट्रास्ट रेशियो हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दी टीवी मॉडल। तो इससे आपको पहचान मिल जाती है कि ये VA पैनल है, और 1,100:1,200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको IPS पैनल में मिलेगा। यहाँ पे गिमी की मार्केटिंग देखिए व्यू की, दैट दे आर क्लेमिंग कि 1,000,000, वन ऐसा नहीं कि 100,000, यानी 1 लाख भी नहीं बोला है, 10,00,000:1 यार, 1,000,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो बोल रहे हैं। यानी पता नहीं क्या फूक के उन्होंने ये बनाया हुआ है। ऑलराइट, तो गिमी की मार्केटिंग डेफिनेटली यहाँ पे है, एंड प्लीज नोट यू विल नॉट गेट मोर देन 1,100:1,200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है ना IPS पैनल। तो गिमी की मार्केटिंग है, बट यहाँ पे मैंने लाल मार्क नहीं किया हुआ है, बिकॉज ये आर 1,000,000:1। आई वॉन्टेड टू हाईलाइट एंड स्पीक ऑन इट पर्सनली। दोनों ही आपका 4K 60 Hz का पैनल है, और अगर हम ब्राइटनेस की बात कर लें तो दोनों ही टेलीविजन आर क्वाइट ब्राइट। इवन इन दी 43 इंच आपको 400 इंच की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। ब्राइटनेस के मामले में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट मैं इतना जरूर बोलूंगा कि ब्राइटनेस की ना सस्टेन ब्राइटनेस होती है, और पीक ब्राइटनेस इन डिफरेंट विंडोज होती है। तो प्लीज नोट कि सस्टेन ब्राइटनेस ऑफ दीज टीवीज माइट बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 350 to 380 nits, एंड इसकी जो पीक ब्राइटनेस है इट कैन हिट दैट 400 nits इन सर्टेन विंडोज लाइक 10, 20, 50% विंडोज में इट कैन हिट दैट पीक ब्राइटनेस। तो अब ब्राइटनेस के मामले में दे आर प्रीटी डिसेंट, इट्स नॉट बैड कंसिडरिंग द प्राइस। अब इसके अलावा आप एक टीवी जब लेते हैं, आपको डेफिनेटली ये देखना होता है कि वो टीवी में आपको डॉल्बी विजन मिल रहा है कि नहीं, और आप ये जान करके शायद उदास हो जाएंगे कि दोनों ही टेलीविजन में आपको डॉल्बी विजन नहीं मिल रहा है। बट आपको एक टेलीविजन में HDR10+ का सपोर्ट मिल रहा है जो है एसर की आई सीरीज, और आपको व्यू की ये जो प्रीमियम UT सीरीज है उसमें आपको सिर्फ HDR10 और HLG का सपोर्ट मिल रहा है। तो HDR10+ भी नहीं है यहाँ पे, तो दिस इज अ बिग बिग मिस, क्योंकि HDR10+ इज अ डायनामिक HDR जस्ट लाइक डॉल्बी विजन, जबकि HDR10 जो है वो एक स्टैटिक HDR है। मैंने इसके बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो मैं आई विल नॉट गो इनटू स्पेसिफिक्स। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा दैट HDR10+ इज कंपैरेटिवली बेटर देन HDR10, एंड इस मामले में डेफिनेटली एसर आई सीरीज इज कंपैरेटिवली बेटर। HLG का सपोर्ट दोनों में आपको मिलेगा। ऑटो लो लेटेंसी मोड का सपोर्ट आपको सिर्फ सरप्राइजिंगली व्यू प्रीमियम सीरीज UT में मिल रहा है, और एसर आई सीरीज में ऑटो लो लेटेंसी मोड नहीं मिल रहा है। सो दैट्स अ बिग मिस मेरे हिसाब से, स्पेशली अगर आप गेमिंग करते हैं, बट अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं देन दिस शुड नॉट मैटर टू यू। MEMC का सपोर्ट आपको दोनों ही में मिल रहा है, और हाँ अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या मैं MEMC को सेटिंग्स में जा करके ऑन ऑफ कर सकता हूँ, तो ये जान करके आपको खुशी होगी, येस यू कैन। अनलाइक कोडैक थॉमसन टीवीज जहाँ पे आपको ये सेटिंग्स अवेलेबल नहीं मिलेंगी, आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स मोड में जाकर के इसे एक्सेस करना होगा, यहाँ पे आपको जान करके खुशी होगी दैट यू कैन गो इन टू दैट स्पेसिफिक MEMC की सेटिंग एंड टर्न इट ऑन और ऑफ, है ना। VRR दोनों ही टेलीविजन में अवेलेबल नहीं है। फुल अरे लोकल डिमिंग का तो बात ही नहीं होता है, दीज आर नॉट फॉल्ट पैनल्स, यानी फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल्स नहीं है। यहाँ पे एसर आई सीरीज में अगेन मैं वापस बोल रहा हूँ, थोड़ा सा गिमी की मार्केटिंग यहाँ पे भी आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इसमें 1296 डिमिंग जोन हैं। जी हाँ, माइक्रो डिमिंग जोन, वाह वाह वाह, ना नहीं है, आई मीन दिस इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड माइक्रो डिमिंग, इट्स नॉट अ हार्डवेयर बेस्ड।
माइक्रो डिमिंग. तो प्लीज नोट दैट इट विल नेवर बी एबल टू कम्पीट या कंपेयर विद फुल अरे लोकल डिमिंग. हाँ, थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, आई विल नॉट डिनाई दैट. इट डज इम्प्रूव द कॉन्ट्रास्ट रेशियोज स्लाइटली. जैसे नोकिया की मैंने खुद की एक टेलीविजन ली थी, ओनक्यू वाली सीरीज, उसमें भी मुझे माइक्रो डिमिंग मिल रहा था और उसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो एक्चुअली में काफी अच्छी थी. तो यस, स्लाइट इंप्रूवमेंट विल बी देयर, बट डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी अ फॉल्ट पैनल, मैं यही बोलूंगा. तो वीडियो के मामले में और डिस्प्ले एंड पिक्चर के मामले में मैं कहूंगा एसर आई सीरीज इज स्लाइटली बेटर. वाई? नंबर वन, बिकॉज पर्सनल मेरा एक बायस है टुवर्ड्स वीए पैनल. नंबर टू, इसमें एचडीआर 10 प्लस का भी सपोर्ट है जो मिसिंग है इस ये व्यू की प्रीमियम यूटी सीरीज में. अब चलते हैं हम फाइनली प्राइस के बारे में बात करते हैं और मैं आपको अपनी जो है चॉइस बताता हूं आपको. यहां पे व्यू की जो प्रीमियम ड्यूटी सीरीज है दैट ओनली कम्स इन टू साइजेस व्हिच इज 43 इंच एंड 55 इंच. तो अगर आपको 50 इंच चाहिए, 65 इंच चाहिए, वो अवेलेबल ही नहीं है. देन यू विल हैव टू गो इन टू प्रीमियम 4K सीरीज विच आर एंड्रॉइड टीवीज बेसिकली. अगर मैं यहां पर आ गया, देखिए यहां पर व्यू में प्रीमियम सीरीज है जो ये यूटी सीरीज है एंड देन प्रीमियम 4K सीरीज है. अगर आप प्रीमियम 4K सीरीज में चले जाएंगे दैट इज अ गूगल टीवी, या गूगल टीवी नहीं सॉरी, एंड्रॉइड टीवी है और इसमें आपको वेब ओएस नहीं मिलेगा और इसमें डिफरेंट साइजेस भी है, यानी 50 इंच भी है और 65 इंच भी है. पर मैं आज बात कर रहा हूं ऑफ द वेब ओएस टीवीज, यानी कि प्रीमियम सीरीज, और इसमें आपको सिर्फ दो साइजेस मिलेंगे. तो अगर आपको 50 चाहिए या 65 इंच चाहिए देन यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम दीज. एसर में आपको 50 इंच का भी ऑप्शन मिलता है एंड दिस इज इन फैक्ट वन ऑफ द चीपेस्ट 50 इंच टीवीज इन द मार्केट एंड इट्स अ गुड प्राइस फॉर दिस 50 इंच. इन फैक्ट प्राइसिंग के मामले में एसर इज ओनली 1000 रुपीज मोर एक्सपेंसिव. बट आई विल टेल यू दिस कि पिक्चर के मामले में फॉर दैट 1000 रुपीज HDR 10 प्लस अलोन, ऑल राइट, वो प्राइस की जो डिफरेंस है इट कमांड्स दैट प्राइस डिफरेंस एंड आई थिंक इट इज जस्टिफाइबल. यानी इट इज वर्थ दैट एक्स्ट्रा 1000 रुपीज. और इसके अलावा दूसरे एडवांटेजेस आपकी एसर आई सीरीज में मिलेगी आपको एंड्रॉयड की. तो अगर आप एंड्रॉयड के शौकीन हैं देन डेफिनेटली गो अलॉन्ग विद एसर आई सीरीज. और यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 11 मिल रहा है तो दैट इज ऑलमोस्ट लेटेस्ट मैं बोलूंगा. तो फ्यूचर प्रूफिंग भी आपका यहाँ पे अच्छा होगा. तो फॉर दैट एक्स्ट्रा 1000 यू आर गेटिंग एंड्रॉयड 11, अपार्ट फ्रॉम दैट HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल रहा है आपको. अगर आप माइक्रो डिमिंग को कंसीडर करना चाहते हैं वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं. पर दिस इज वेयर एसर आई सीरीज मिसेस आउट. यहाँ पे आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड नहीं मिल रहा है. यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड गेम मोड नहीं मिल रहा है जो आपको व्यू प्रीमियम सीरीज में मिल रहा है. यहाँ पे आपको बेटर साउंड स्ट्रेट आउट द बॉक्स नहीं मिल रहा है. तो आप अपने जरूरत के ऊपर चूज कीजिएगा. अगर आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स बेटर साउंड चाहिए, LG की वेब ओएस अगर आपको चाहिए, और अगर आपको आप बोल सकते हैं कि एक IPS पैनल चाहिए, then go along with the View Premium series. Otherwise, personally, I would choose the Acer I series in this comparison. अब आप सोच रहे हैं कि भाई इस View Premium series को आपने LG की UQ7500 से क्यों नहीं compare किया? क्योंकि sale में जब होता है sale, अभी तो काफी महंगी है, but sale में you can even get that TV in less than 30,000. Then the reason why I have not compared it, number one reason is ये remote जो है ना, ये remote तो सबसे पहले पुरानी वाली है. Alright, पर इसमें आपको मैजिक रिमोट स्टिल मिल रहा है. UQ7500 में आपको एक्स्ट्रा 1500 रुपए देने पड़ेंगे फॉर द न्यू मैजिक रिमोट. और उसकी मैजिक रिमोट इज डिफरेंट, इट्स एन अपडेटेड वन. और इवन वेब ओएस ना, ये जो व्यू की सीरीज में आ रही है, इट इज अ कंपैरेटिवली ओल्डर वर्जन. यानी UI में देयर आर डिफरेंसेस. तो UI इज ऑल्सो डिफरेंट. तो is it worth paying that extra 5000 and 6000 to get the LG UQ7500? I personally think yes it is, it definitely is, kyunki aapko wahan pe brand mil raha hai, uski assurance mil rahi hai LG ki. Aur mere family mein bhi na ek LG UQ7500 liya tha one of my brothers ne, and itna acha laga unko ki unhone do le liya. To utni achhi hai LG UQ7500 and I think it's personally worth spending that extra money, 5 to 6000 rupees over it. Agar aap soch rahe hain ab bhai aapne brand warranty ki baat nahi ki hai to main wo bhi aapko bata dun. Yahan pe dusri advantage Acer I series ki ye hai ki yahan pe aapko just in that extra 1000 rupees aapko yahan pe 2 saal ki warranty mil rahi hai.
on the I series. Jabki on the View, you are only getting 1 year warranty. So even from the warranty perspective, Acer I series makes more sense. है ना? तो आज के कंपैरिजन की तो क्लियर विनर एसर आई सीरीज है एंड आई वुड रेकमेंड दैट. बट हाँ, मार्केट पे अगर आप वर्दी अल्टरनेटिव्स ढूंढने निकले हो तो एसर ही की आपकी एच सीरीज भी अवेलेबल है, विच इज स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव. आप यहाँ पे एसर आई सीरीज के ऊपर 3,000 रुपए और ज्यादा दे रहे हैं, बिकॉज एसर आई सीरीज इज 24,999, दिस इज 27,999. तो 3,000 रुपए का डिफरेंस है. और 3,000 रुपए में आपको इंस्टेड ऑफ 30 वॉट्स 60 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे हैं. तो अगर आप एक साउंड बार भी लेने चाहेंगे ना, आप उतना तो खर्च कर ही लेंगे, 3,500 या 5,000 रुपए. सो इट जस्टिफाइज दैट प्राइस इंक्रीज. एंड नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे आपको डोल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल रहा है और डोल्बी एटमोस मिल रहा है स्ट्रेट आउट द बॉक्स. सो दैट 4,000 रुपए का जो इंक्रीज है ना, इट इज वर्थ इट. तो अगर आपको 4,000 रुपए स्पेंड करके डोल्बी विजन डोल्बी एटमोस मिल रहा है, 60 watts instead of 30 watts मिल रहा है, तो this is definitely a better option to consider. और मैं ये recommend करूँगा over the I series. Another option जो in fact Acer की H series से 1,000 रुपए सस्ती है, which is Hisense A6H, अगर आप 43 inch में लेना चाहते हैं, इस TV की खास बात क्या है? Number one, इसमें VRR का support मिल रहा है, इसमें आपको ALLM का support मिल रहा है, जो Acer H series में भी missing है. और apart from that, इसमें आपको far field mics मिल रहे हैं, Dolby Vision का तो सपोर्ट आपको मिल ही रहा है, Dolby Atmos का भी आपको इसमें सपोर्ट मिल रहा है. तो दिस इज ओवरऑल अ वेल राउंडेड टीवी. आपको 3 साल की वारंटी भी मिल रही है. सो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ऑलराइट एंड फ्रॉम माय पर्सनल ओपिनियन, मैं कहूंगा दैट Hisense A6H इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी टीवीज दैट यू आर करंटली गेटिंग इन द मार्केट फॉर लेस देन 30,000 रुपीज, अगर आप एक 43 इंच टीवी को लेना चाहते हैं. And this is well worth your money. तो अगर मुझे आज के वीडियो में ना एक टीवी चूज करना पड़ेगा, Acer I series, Acer H series या फिर View की प्रीमियम UT series, then I will keep them aside and I'll probably choose the Hisense A6H. हाँ, मैं एक डिटेल कंपैरिजन नहीं किया हूं, बट मैंने आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन बता दी है एंड दिस इज डेफिनेटली अ वर्दी ऑल्टरनेटिव इन द मार्केट. अब प्लीज नोट, आज की वीडियो एक रिव्यू वीडियो नहीं थी, ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन वीडियो है जहां पे मैं सारे टेलीविजन के स्पेक्स को कलेक्ट करता हूं, आपको एक एक प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट करके बताता हूं ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए. एंड प्लीज नोट, दिस इज नॉट अ रिव्यू, दिस इज जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन. और अगर आपको कोई भी सवाल पूछने हैं इन टेलीविजन को लेकर के, आपको सवाल पूछ सकते हैं. आपको पता है मैं हर एक सवाल का जवाब देता हूं आपके मेरे चैनल पे, एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन. इसके अलावा मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इन सारे टेलीविजन के लिंक को इंक्लूड कर दूंगा. आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दोस लिंक्स, बाइंग दोस टीवीज एंड सपोर्टिंग माय चैनल. एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो दैट बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूँ आपको पता चल जाएगा कि भाई पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. Now with that said, it's a wrap for this one. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए मैं कहूंगा, टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.